हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? तो फ्रेंड्स, आज है दिन मंगलवार और तबीयत है ख़राब, इसलिए मैंने दोपहर बाद थोड़ी मेहंदी लगा ली है, क्योंकि ये लगानी भी ज़रूरी है। मुझे बहुत अच्छी तो आती नहीं है, लेकिन मेहंदी वाली आकर सुबह ही चली गई थी, इसलिए मुझे अपने आप ही ये लगानी पड़ी है, क्योंकि तब उस टाइम मुझे था बुखार। अभी मैंने दवाई ले ली है और आराम हो गया, और कुछ इस तरह की मैंने थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा ली है, जिससे सगन भी हो जाएगा और मेरी मेहंदी भी हो जाएगी। और इस हाथ पे तो मेरे ऑलरेडी गांव में लगी थी, तो वो अभी छुट्टी नहीं है, और इस हाथ पर मैं लगा लूँगी जैसी भी मुझे आती है, नहीं जैसी आएगी ऐसी लगा लूँगी, क्योंकि सगन तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इस हाथ पर मेहंदी लगा ली है, जैसी यहाँ पर मेहंदी लगाने के बाद थोड़ी सूख गई है और अभी हो गई है शाम बिल्कुल। तो मुझे याद आया है कि मुझे बिछुए और पायल अभी पहननी है, क्योंकि कल है बुधवार। बुधवार में हम कोई अपने सुहाग की चीज़ नहीं पहनते हैं, हमें चूड़ी बिछुए कोई भी चीज़ नहीं पहननी चाहिए, तो इसलिए मैंने पायल भी पहन लिया और बिछुए भी पहन लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम तोमर और मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ। सबसे पहले मेरी माताओं को, बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ख़राब है 2 दिन से, और आज फास्ट भी है, तो ज़रूरी होता है ये रखना। तो और आप सभी लोगों को पता हुआ कि इस फास्ट में पानी भी नहीं पिया जाता, लेकिन जब पहली बार कोई लड़की व्रत रहती है पहली बार, तो उसको इसीलिए चाय वगैरह पिला देते हैं हमारे यहाँ पर, कि आगे कोई प्रॉब्लम हो तो चाय पी सके या पानी पी सके। तो फ्रेंड्स, मैं अभी तो नहीं पीऊँगी पूजा करने के बाद, 1 से 2 बजे पूजा करूँगी, कहानी वानी सुनूंगी, उसके बाद ही चाय पीऊँगी। तो अभी मैं हिम्मत से जुटा के खड़ी तो हो गई हूँ, क्योंकि आज देखो त्योहार भी है और घर के काम भी होते हैं, अकेले ही करने पड़ेंगे सब काम। तो मैं जग गई हूँ, मतलब हिम्मत जुटा के खड़ी हो गई हूँ और चलूँगी किचन में, क्योंकि टाइम 6:30 बज चुके हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस किचन में पहुंच गई हूँ और लग जाती हूँ अपने रोज के काम में, मिलती हूँ कुछ देर बाद। तो सबसे पहले मैं ले लिया एलोवेरा, इसके मैं कद्दूकस कर लूँगी और तेल मिलाकर सर में मालिश कर लूँगी। और इधर हमारे दूध वाला आ गया, तो मैं दूध भी उठाकर ले आई हूँ, मुझे बनाना है पनीर। तो सबसे पहले मैंने 1.5 लीटर दूध छानकर कढ़ाई में उबाल लूँगी और उसको मैं चलाती रहूँगी, जिससे कि मलाई ना आए। और मैंने फ्रीज में पनीर का छना हुआ पानी रखा हुआ है, उसको मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी। ये मेरा पनीर का छना हुआ पानी है, एक बार नींबू से मैंने पनीर बनाया और उसका पानी मैंने छान के फ्रीज में रख लिया है, इसको मैं ऐसे ही इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 बार में 2-2 चम्मच पानी डाल लिया और हमारा यहाँ पर छेना बन के तैयार हो गया। मैं इसको रख दूँगी एक साइड ठंडा होने के लिए और इसको कॉटन के कपड़े में छान लूँगी। यहाँ पर जब हमारा छेना ये पनीर ठंडा हो गया है, मैंने कॉटन का कपड़ा जाली पर लगा लिया है और इस पर मैंने डाल दिया है ये पनीर, और इसको मैंने अच्छा पानी डालकर धुल लिया है और अच्छे से मसल कर सॉफ्ट कर लिया है। और यहाँ पर इसको मैंने सेप दे दिया, इसके ऊपर मैं भारी चकला रख दूँगी और एक दूध का डब्बा है उसको भी मैं रख दूँगी, क्योंकि भारी वेट से इसके फटाफटा सा नहीं बनेगा, अच्छा बंद कर पनीर तैयार हो जाएगा। इधर मैंने खीर बनाने की कर लिया तैयारी और इधर पनीर भी हमारा तैयार हो गया है, और उधर मैंने 100 ग्राम चावल धुल के रख लिए हैं और 1.5 लीटर दूध रखा था, और आप दे सकते हैं यहाँ पर हमारा पनीर बन के हो गया है तैयार। और इधर ये मैंने दही जमा रखी है और यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया है और हमारी खीर बन रही है, इसको मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 3 और हमारी तबीयत थी ख़राब, इसलिए हम हैं बहुत लेट, क्योंकि सबको खाना खिला के लंच वगैरह करा के मैं सो गई थी, तबीयत ठीक सी नहीं है और कुछ खाते पीते भी नहीं है, इसलिए मैंने आज दवाई भी नहीं ली है। और उसके बाद मैं हो गई हूँ थोड़ी सी तैयार और अभी मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी, मैंने पूजा की तैयारी भी नहीं की है। तो अभी मैं पूजा में लड्डू बनाऊंगी, वो ही मैं गणेश चतुर्थी हर महीने की रखती हूँ, तो उसी में लड्डू का ही भोग लगाती हूँ और वही मैं बनाऊंगी। तो चलती हूँ किचन में और बना लेती हूँ प्रसाद के लड्डू, उसके बाद करूँगी पूजा। यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ किचन में और मैंने पूजा की तैयारी कर ली है, कुछ सामान रख लिए करवा वगैरह भर के,
और करवा हमारे यहाँ पर सादा ही रखा जाता है, सजा हुआ करवा हम लोग नहीं रखते हैं। और ये मैंने ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, पिसी हुई चीनी, मोटा बेसन और बारीक बेसन। सबसे पहले मैं घी डालूंगी कढ़ाई में और उसको अच्छा सा गर्म कर लूंगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने करवे पर 5 स्वास्तिक भी बना दिए हैं और मैं अभी और फूल लेकर आऊँगी। और ये मैंने चावल, दूब घास और चिरागी अपनी प्लेट वगैरह सारी मांज कर रख ली है। और इधर हो गया हमारा घी गरम, तो मैंने इसमें बेसन डाल दिया। इसको मैं चलाकर अच्छा सा फ्राई कर लूँगी जब तक खुशबू आएगी। तो मुझे यहाँ पर घी कम लग रहा है, मैंने थोड़ा घी इसमें और डाल दिया और इसको उतार कर नीचे रख लिया है। इधर बेसन मैंने नीचे उतार के रख दिया और ड्राई फ्रूट्स को कूट लिया है और इसको गर्म बेसन में ही डाल दूंगी और जिससे हल्के से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद मैंने पिसी हुई चीनी को इसमें मिक्स कर लिया है और इसके प्रसाद के लिए लड्डू बनाकर रख लिए हैं 11। इधर ये मेरा पूजा का सारा सामान हो गया तैयार, लड्डू भी और मैं फूल भी लेकर आ गई हूँ। 5 तरह के हो गए फूल और कुछ पैसे रख लिए हैं और मैंने एक जल का लोटा भी ले लिया और करवा भी। तो अभी मैं पूजा में पहुँच जाऊँगी और वहाँ जाके पूजा की तैयारियाँ शुरू करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पूजा घर में पहुँच गई हूँ और सारे सामान मैंने पूजा के लिए तैयार कर लिए हैं। यहाँ मैं पूजा में पहुँच चुकी हूँ, पूजा की लाइट कुछ कम है तो मैंने यहाँ पर सारा सामान ला के रख लिया। अभी मैं गणेश जी की पूजा कर लूँगी। आज का व्रत गणेश जी के लिए ही होता है, आप लोगों को वैसे तो पता ही होगा सब। तो सबसे पहले मैंने धूप बत्ती और चिरागी को तैयार कर लिया, उसके बाद मैं फूल चढ़ाऊँगी गणेश जी को, चावल चढ़ाऊँगी और प्रसाद का भोग लगाऊँगी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं रोली लगा दूंगी सब चीज़ को। और ये मैंने करवा चौथ की कहानी की बुक, गणेश चतुर्थी की बुक सब निकाल ली है और मैंने सारी तस्वीरों को सबसे पहले मैं रोली लगाऊंगी और मैंने गंगा जल के छींटे पहले ही लगा दिए हैं। और मैं गणेश जी को पहले कलावा चढ़ाऊंगी, उसके बाद फूल, दूब, चावल और कुछ पैसे रख दूंगी, वो मैं मंदिर में भिजवा देती हूँ। और रख दूंगी मैं प्रसाद, जो मैंने प्रसाद रख रखा है। और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है शुरू। तो अभी मैं फूल चढ़ा के और सारी चीज़ चढ़ा दूँगी जो भी मुझे चढ़ानी है, उसके बाद ही मैं किताब पढ़ूँगी, गणेश जी की आरती पढ़ूँगी, जो भी मुझे पढ़ती हूँ गणेश चालीसा वगैरह वो सब पढ़ लूँगी। यहाँ पर मेरी नॉर्मली पूजा तो हो चुकी है और मैंने ले लिए हैं बुक्स। उससे पहले मैं चावल और दूब हाथ में ले लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर दूब और चावल हाथ में लेकर जब कथा पढ़ी जाती है और जब ही मैं गणेश जी की पूजा करूँगी और मैं अपनी व्रत पूरे विधि विधान के साथ करूँगी। इधर मेरा पूजा तो हो चुकी है और मैं पहुँच गई हूँ किचन में। मैंने पनीर निकाल लिया और 4 टमाटर कट कर लिए, इनका मैं पेस्ट बना लूँगी और आज की सब्जी में जीरे और हींग वगैरह से ही बनाऊंगी, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो यहाँ पर तेल हो गया गरम, मैंने उसमें डाल दिया जीरा और डाल दिया हींग। अभी मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दूंगी, उसके बाद मैं इसमें तेज पत्ता डाल दूंगी और उसके बाद जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया है उसको डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी और जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाले में मैं लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा किचन किंग मसाला डालूंगी और उसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी। यहाँ पर हमारे मसाले फ्राई हो गए, मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया और बाद में किचन किंग मसाला ऐड कर दिया, इसको मैं फ्राई कर लूंगी। इसके बाद मैंने 1 चम्मच दही लिया है, उसको डालूंगी और उसको भी इसी में मिक्स करके फ्राई कर लूंगी। उसके बाद मैंने मलाई ले ली है, इसको भी डालकर इसी में अच्छे से फ्राई कर लूंगी। उसके बाद मुझे पनीर की जितनी ग्रेवी रखनी है उतना मैंने पानी डाल दिया है और जब मेरा पानी में उबाल आ गया तो मैं इसमें पनीर ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं अभी मैं इसमें डाल दिया गोले का बुरादा और डालूंगी गर्म मसाला। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया कस्तूरी मेथी। तो हमारी सब्जी अच्छी सी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसमें हरे धनिया की पत्ती जो काट के रखी है वो डाल दी है और आप देख सकते हैं बिना लहसुन प्याज के भी मेरी टेस्टी सी सब्जी पनीर की बनके तैयार हो गई है। इधर मैं पहुंच गई हूँ किचन, यहाँ पर सब्जी तैयार हो गई है और मैंने 2:12 से कढ़ाई रख लिया और तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें जीरा, हींग डाल दिया क्योंकि मुझे कढ़ी बनानी है। अभी मैंने इसमें डाल दी है मेथी सूखी और इनको मैंने अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया और अब मैं इसमें डाल दूंगी कड़ी पत्ते और इनको अच्छे से सबको फ्राई करने के बाद मैं इसमें
मसाले डालूंगी। मसाले में मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, वही नॉर्मली मसाले डालूंगी। अभी किचन की मसाला और नमक मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी। और इधर मैंने बेसन को घोल कर रख लिया था पकौड़ी बनाते टाइम, पकौड़ी मैंने पहले ही बना ली है। और छाई में दही में बेसन मिक्स करके रखा रखा, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और मुझे अब मैंने इसमें किचन किंग मसाला भी डाल दिया, और जितनी मुझे कड़ी बनानी थी इतनी मैंने लस्सी इसमें डाल दी है। और यहाँ पर मैंने उबाल आने के बाद कस्तूरी मेथी भी डाल दी है, और यहाँ पर मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी। और यहाँ पर मैंने इसमें जो पकौड़ी बना के रखी है वो, और कुछ धनिया की पत्ती काट के रखी हुई है वो भी डाल दूंगी। और इसको 2 मिनट और उबालूंगी, और हमारी टेस्टी सी कड़ी बन के हो गई है तैयार बिना लहसुन प्याज की। उधर कड़ी हमारे बनने लग रही है, उबाल आ रहा है, तो मैंने इधर 1.5 गिलास चावल ले लिए हैं, उनको भिगो कर रख लिया। और कुकर में चढ़ा दिया है पानी। कुकर में मेरे पास सेला चावल है इसलिए मैंने 2 गुना पानी चढ़ाया है, क्योंकि 1.5 गिलास मैंने चावल लिए हैं तो 3 गिलास यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया, 3 से कुछ कम ही चढ़ा दिया है। और उसमें 1 चम्मच घी डाल के, चावल डाल के मैंने उसको रख दिया ढककर। इधर कर लिया थोड़ा पानी गर्म, क्योंकि मैं हल्के गर्म पानी से ही आटा लगाऊंगी। उधर हमारी कड़ी भी बन चुकी है और चावलों में सीटी आ गई है और आटा भी लग के हो गया है तैयार। आटे से मैं रोटियां बनाऊंगी, पूरी हमारे यहाँ पर नहीं बनती है। तो यहाँ पर मैंने रोटी बनाकर सबसे पहले गाय के लिए निकाल दिया, और यह हमारा खाना, सारा खाना मैंने गाय के लिए तो निकाल दिया। अभी मैं थाली लगाऊंगी तैयार होने के बाद। इधर देख सकते हैं, इधर मेरे चावल भी बन गए हैं, रोटी भी बन गई है, सब्जी भी बन गई है, और मेरी खीर भी पहले ही बन गई है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे खाने के सारे सामान हो गए तैयार। अभी मैं आगे की तैयारियां कर लेती हूँ। खाने को पहले मैं ढककर रख दूंगी यहाँ पर, क्योंकि सारे खाने मेरे ये खुले हुए रखे हैं मैंने। अभी मैं इनको सबको ढक के रख दूंगी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी अपने दूसरे काम करने के लिए। इधर हमने अगले काम कर दिए हैं शुरू, हमने पहन लिया साड़ी अपनी परंपरा के अनुसार। और ये यहाँ पर अभी मैं पूजा करूँगी शाम की, तो मैंने थाली लगा लिया, थाली में सारे खाने लगा लिए हैं और मैंने पैसे रख लिए हैं। ये खाना मैं अब वहाँ पर अपनी दीदी को देती हूँ, क्योंकि सासू माँ तो है नहीं, वो तो चली गई हैं 7-8 साल पहले। उससे के बाद मैं अपनी जेठानी को देने लगी हूँ। यहाँ पर अगर मेरी दीदी होती तो मैं उनकी गोद में ये खाना रखती और उसके बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती, तो यहाँ पर दीदी तो है नहीं, इसलिए मैं पूजा के आगे खाना रख दूंगी और जल के छींटे देकर ऐसे ही हाथ जोड़कर खाने के ही पैर छूंगी। और इधर मेरे बच्चे ये बाहर खेल रहे हैं, और ये एक छोटा स्कूटर चला रहा है, और ये यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है ग्रीन, इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ घूम लूँगी, क्योंकि अभी चांद निकलने में तो टाइम है और बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए घूमने आ गई हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है। इधर हमारे चांद निकलने का टाइम हो चुका है और बस हम चल दिए हैं जल देने के लिए। नीचे से चांद दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उनमें से चांद दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर मैं छत पर पहुँच गई हूँ, और यहाँ पर करूँगी मैं चांद निकलने का वेट। चांद निकलने का वेट हमें काफ़ी देर करना पड़ा था, क्योंकि चांद यहाँ पर बहुत लेट दिखाई दिया था, धुआं धुआं सा हो रहा था, इसलिए चांद दिखाई नहीं दिया। चांद मुझे 9:30 ही दिखाई दिया था। और इधर आकर ये है हमारा व्रत खुलने का सामान, मिठाई रख लिए मैंने, लड्डू रख लिए, और ले लिया है मैंने जल। जल हमारे यहाँ करवे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इसी तरह से मनाया जाता है ये त्यौहार। हमारे यहाँ छलनी में चांद देखने की कोई परंपरा नहीं है, और हम लोग अपनी रीति रिवाज के अनुसार ही अपनी, मतलब अपने परिवार की परंपराओं के हिसाब से, उनकी रीति रिवाज के हिसाब से ही इस त्यौहार को मनाते हैं। शायद आप लोग इस बात को समझेंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, और आप समझेंगे कि मैंने अपना त्यौहार अपनी रीति रिवाज और अपने घर की परंपरा के हिसाब से ही निभाया है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है नहीं कि हम दीपक जला के पति की आरती वगैरह जो भी होते हैं, चांद वांद देखते हैं छल्ली में, वो हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। तो मैं अपनी सासू मास की परंपरा के हिसाब से ही, उनकी रीति हिसाब रिवाज के हिसाब से ही इस त्यौहार को मनाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ समझेंगे और मेरी वीडियो लाइक करेंगे अगर वीडियो पसंद आएगी, और मुझे मोटिवेट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम है 10:30 का, हमारा फास्ट खुल गया है और हमारा डिनर भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप मेरी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।
फ्रेंड्स आज मैंने बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया है, जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे ही मैंने पूरी तैयारी की थी और वैसे ही मैंने अपना त्यौहार मनाया है। हाँ ये जरूर है कि मेरी तबीयत खराब थी, पूरे हर्षोल्लास के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने बहुत ही खुश होकर जैसे तैसे इस त्यौहार को अच्छे से मनाने की कोशिश की है। शायद आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।